join your hands and start chanting up Omkar thrice. Sai Ram, one and all present over here. All of you know that today is birth anniversary of Mahatma Gandhi ji and Jawaharlal Nehru. Lal Bahadur Shastri. Mahatma Gandhi ji's, this is 150th Jayanti hum log mana rahe hain. और जब भी महात्मा गांधी की बात हम आप करते हैं तो दो चीजें हमें ध्यान में आती हैं. द फर्स्ट वन इज नॉन वायलेंस. नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा. और दूसरी चीज है क्लीनिनेस, साफ सफाई. हम लोग आज सुबह स्कूल आए 7 बजे. हमने लगभग 2 किलोमीटर वॉक करी, आप देख सकते हैं. और फिर हमने स्कूल कैंपस में साफ सफाई करी. आपको याद होगा कुछ साल पहले, चूंकि इस साल आप बच्चे स्कूल नहीं आ पाए हैं, तो पहले बच्चे और टीचर सभी मिलकर अपने कैंपस की सफाई करते थे. आपको याद है? सर, अपनी क्लास में सफाई करते थे. अगर हम ये देखें, लास्ट ईयर बड़े बच्चों ने जो गेल स्कूल के चारों तरफ की बाउंड्री है, जहाँ पर सभी लोग इवनिंग वॉक पर जाते हैं, वहां पर वॉल पेंटिंग भी की थी. ये लास्ट ईयर का प्रोग्राम. चूंकि इस साल बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, तो सिर्फ टीचर्स ने ही यही काम किया. कार भी आ रही देर? यस सर. ओके सृष्टि. Srishti is not. Yes, sir. Srishti is there. Srishti. Okay. Yes, got it. तो पहले हम कुछ, अच्छा ये बताइए कि क्या सभी लोग साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, क्लीनिंगनेस का ध्यान रखते हैं? अच्छा ये क्लीनिंगनेस, क्लीनिंगनेस कहाँ से शुरू होती है? ये क्लीनिंगनेस शुरू होती है, पहले हम अपने आप को क्लीन रखते हैं या नहीं रखते? सर रखते हैं हम अपने आप को. सभी लोग अपने नेल्स देखिए, अपने नेल्स देखिए. योर नेल्स आर प्रॉपरली ट्रिम? मेरे छोटे हैं. हाँ सर मेरे छोटे हैं. ठीक है ठीक है. जिसके जिसके नेल्स बड़े हुए हैं, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि इस समय हाथों को साफ करना बहुत जरूरी है, तो अगर हमारे नेल्स बड़े होंगे तो उसमें जर्म्स छुप जाएंगे, तो हमें हमारे नेल्स को रेगुलर ट्रिम करना है. सेकंड चीज, हम रेगुलर बात लेते हैं, नहाते हैं. ये तो सभी बच्चे नहाते होंगे. यस सर. गुड. अब कीजिए. अच्छा वेरी गुड. अब हम क्या अपने पहले अपने घर की साफ सफाई में कंट्रीब्यूशन करते हैं? यस सर. यस सर. यस सर. अच्छा चलो एक काम करते हैं. अपनी टेबल देखिए और अपने चारों तरफ देखिए, जहां आप बैठे हैं उसके चारों तरफ देखिए.
सब ठीक है? यस सर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जहाँ आप बैठे हैं वहां पर कुछ फालतू की चीजें भी पड़ी हुई हैं, तो एक मिनट में अपने टेबल को जल्दी से साफ सफाई कर लीजिए। आज की एक्टिविटी, वन मिनट, कैमरा ऑन रखे। सर पर अगर ऊपर जाना हो तो है बेटा, हाँ उठ के जा सकते हैं ना। उठ के जा सकते हैं, एक मिनट में साफ सफाई का काम करके तुरंत वापस आना है। सर हो गया। वेरी गुड, और हो जाए तो अपनी जगह पे वापस आ जाना। सर हो गया। सर हो गया। हाँ वेरी गुड, कैमरा ऑन रखोगे तो मुझे भी दिखेगा कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ कैमरा ऑफ रख के एक मिनट बाद बोल दिया हो गया, तो ऐसा थोड़ी होता है। यस सर। है ना, तो कैमरा ऑन करो सिद्धि का। सर ऑन है। नहीं है ऑन, सिद्धि का मुझे दिख नहीं रही है, कनक नहीं दिख रही, अलंकृता नहीं दिख रही, ऐश्वर्या दिशा, कैमरा ऑन है। तो मुझे सिद्धि का कैमरा ऑन नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक है सर, है सिद्धिका का कैमरा ऑन। सर सिद्धिका का कैमरा ऑन है सर, एक बार ऑन ऑफ कर लो। दिखाई दे रहा है कैसे सिद्धिका का कैमरा ऑन है? मेरा भी जो मुझे दिखाई दे रहा है वो कैमरा ऑन नहीं है। बस आप हो सकता है एक बार ऑन ऑफ कर लीजिए तो सही हो जाएगा। अब सिद्धिका क्या दिख रहा है मुझे, कैमरा ऑन। ओके, तो ये हमारी एक एक्टिविटी हो गई। अब मैं सबसे पहले कार्बी गोगोई से बोलूंगा कि सी विल स्पीक समथिंग अबाउट क्लीनिनेस ऑन दिस डे ऑफ गांधी जयंती। यस कार्बी, यू कैन अनम्यूट योर माइक, और बचे हुए बच्चे अपना माइक म्यूट करें। ओम श्री सायम, ग्रीटिंग्स टू ऑल प्रेजेंट ओवर हियर, ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, रिस्पेक्टेड टीचर एंड माय डियर फ्रेंड्स। टुडे ऑन द ओकेशन ऑफ गांधी जयंती आई वुड लाइक टू डिलीवर स्पीच ऑन क्लीनिनेस। क्लीनिनेस इज नॉट जस्ट अ कीवर्ड, इट इज अ एक्ट ऑफ रिफ्रेशिंग योर माइंड एंड सोल from dirt and negativity. It's like our father of nation, Mahatma Gandhi said, sanitation is more important than independence. He made cleanliness and sanitation a important part of all people. We should also follow his thought for the betterment of everyone. Cleanliness is a priority and a important in Indian culture. The famous cleanliness is a Indian culture. The famous proverb which say cleanliness is next to God lines. Today is also 5th anniversary of Swachh Bharat Mission, which was launched on 2nd October of 2014. It had an aim to give a tribute to Gandhi on his 1/5 birth anniversary. As we are aware of now this condition about the pandemic of COVID-19, we know how cleanliness and sanitization is important and helpful for us. We should learn from condition currently. We are in make ourselves ready for a bright and healthy future. Cleanliness is also about the cleaning our mind and finding inner peace from the negativity that came to our mind. We can live healthy and happy life if we maintain cleanliness in our surroundings as well as inside our mind. In the end, I would like to thank Davis sir for giving me to this opportunity to speak. Thank you and Sayam. Clap for her. Now second one, Srishti.
say something that today is Lal Bahadur Shastri's birthday too. Yes, yes, you are right. Srashti. Sairam sir. Hi friends, my name is Srishti Tripathi. Today I am taking topic cleanliness. Let's talk about it. Cleanliness is an excellent habit. We can see cleanliness is maintained by our teachers, family, elders, etc. people. Cleanliness is next to godliness. What is cleanliness? Cleanliness means keeping us surrounding and ourselves clean and free of garbage, dirt, etc. How is cleanliness maintained? We must clean our body, home, school, playground. In other words, our environment. How to keep our surrounding clean and healthy? We must keep our house and its surrounding clean. Save paper by writing on both the sides. We should not throw garbage out on the road. Drive your car less. Clean India Mission. Clean India Mission is launched on 2nd October 2014. Narendra Modi, our Prime Minister, has launched it. That's all. Okay, clap for Srashti. So I hope you all understood about the cleanliness. Every week, I will choose two students, one from A section and other from B section, to speak 1 or 2 minutes on a particular topic. I will send the topic and their name on their personal WhatsApp number. So this will help you to speak. This will help you to express your views, and avoid any kind of hesitation. Okay. Sir, every Friday? We'll decide. Sometime it's Friday, sometime on Thursday, because we have only 2 days, Thursday and Friday. So not every week, maybe in once in 15 days, but I will give chance to all of you. Are you agree? Say yes. Good. Yes, sir. Now, our topic. What if it finishes? Agar ye sab khatam ho jayega, to kya hoga? Sir, we will discuss on AC, exhaust, AC. Okay. Yes, sir. One day I asked one question about the Mahakal temple, Ujjain. Kal means time, samay. Mahakal means most accurate time. Yes. Aisi kya khas baat hai us Mahakal mandir mein, us Ujjain jagah mein? ये मैंने आपसे बोला था सोचना है, मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा. गॉट इट अलंकृता? लेकिन हर एक क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड नहीं होता बेटा. बहुत सारी चीजें हमारे इस माइंड को, ब्रेन को सोचने के लिए, मोटिवेट करने के लिए भी होती है. अब जैसा अदित्रि ने मुझे याद दिलाया अबाउट द एग्जॉस्ट. अच्छा, मैं एग्जॉस्ट एक काम किया मैंने, मैंने अद्रिता के घर, अद्रिता मेरी तरफ देखो, मैंने अद्रिता, अद्रिता देयर इज ए एग्जॉस्ट फैन इन योर किचन? यस सर. अच्छा, वेयर इज इट? नियर द सर, इट्स नियर द गैस, लाइक इन in the on the left right side. And it is near the floor or near the ceiling? It's near the ceiling. Okay, so why that exhaust fan is near the ceiling? Maine niche kyon nahi rakh diya usko? सर इसलिए क्योंकि वो सारी जो गैस रहती है अंदर की, जो मम्मी खाना बनाती है तो उसकी जो धुआं निकलता है वो ऊपर ऊपर एग्जॉस्ट फैन से बाहर चले जाए. तो वो तो नीचे से भी तो जा सकता है.
क्योंकि गैस कैसे जाएगा नीचे से ऊपर नीचे कुछ रहता है इसलिए नहीं जाता है। वन बाय वन शाश्वत जब हम उसे वो करते हैं तो गैस बहुत जल्दी थोड़ा ऊपर जाने लग जाता है तो मुझे दिक्कत। अच्छा एक पॉइंट, गैस ऊपर जाती है। अब ये गैस, तीसरा क्वेश्चन, ये गैस ऊपर ही क्यों जाती है? सर कैन यू एक्सप्लेन माइन एक्टिविटी? यस ऊपर जाती है। रिपीट बेटा। सर वो गर्म होती है और वो ऊपर जाती है इसलिए। एक्सीलेंट, जो भी चीज गर्म होती है वो ऊपर उठती है क्योंकि वो हल्की होती है और ठंडी चीज भाप भी ठंडी वाली पानी देती है। जो भी चीज होती है गर्म होती है, लाइट वेट होती है, ऊपर उठती है, एग्जॉस्ट से बाहर निकल जाती है। गॉट इट? अच्छा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, एसी भी ऊपर लगा होता है? यस सर। यस सर, अच्छा अच्छा अब तन्वी बताएगी एसी ऊपर क्यों लगा रहता है। सर मैं बताऊं? कनक सर मैं बताऊं? यस कनक सर मैं बताऊं? सर क्योंकि उसके पीछे जो फैन लगा रहता है वो बाहर की ठंडी हवा खींचता है अंदर, इसलिए वो ऊपर लगा है। सर मैं बताऊं? सर आई कैन हवा देता है। अगर आप सभी चिल्लाओगे तो किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा। कीप योर माइक म्यूट। यस देवांश। सर वो गर्म हवा बाहर से खींचते फिर अंदर ठंडी हवा लाता है। अच्छा ओके। सर मैं बताऊं? आप केवल अपना हाथ उठाइए, बोलिए मत। पानी अंदर लेता है और उसके बाद वो फिर ठंडी हवा बनाकर देता है। श्रेया अनम्यूट योरसेल्फ। उसकी हवा है, नीचे जाती है। चलो आधा आंसर मिल गया। अद्विता सर उसकी गर्म हवा ऊपर जाती है तो ठंडी हवा नीचे आएगी, तो समर के समय हम लोग एसी ऊपर लगाते हैं जिससे हमारे पास हवा आए नीचे। वेरी गुड। जो कोल्ड एयर होती है वो हैवी होती है, इट सेटल डाउन एट द बॉटम और स्प्रेड हो जाती है तो चारों तरफ फैल जाती है और हमको कूलिंग फील होती है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। और जब वो हवा गर्म होती है तो ऊपर से बाहर निकल जाती है। यस सर। एसी के पास कंप्रेसर ही होता है बेटा। कंप्रेसर से ही वो ये फंक्शन सारा करता है। कंप्रेसर में गैस रहती है जिससे ये फंक्शन होता है। आप जब भी रेफ्रिजरेटर के बैक साइड में देखेंगे, एसी के बैक साइड में देखेंगे तो आपको दिखेगा बहुत गर्म है वो, क्योंकि वो अपनी गर्म हवा को बाहर फेंक रहा है ना, दैट्स व्हाई। चलिए अब हम आते हैं अबाउट आवर चैप्टर। यस सर, फ्रिज के पीछे गरम गरम होता है। यस, आपने ये, आप ये देख रहे हैं, एक पिक्चर देख रहे हैं आप अपने स्क्रीन पर। बहुत ज्यादा ट्रैफिक है रोड पे, देखते हैं क्या होता है। सर नो वॉइस कमिंग। यस सर नो वॉइस नहीं हो रहा है। यस सर। वेट You are getting voice? No, sir. Okay, wait. एक बार नो बोलने से मुझे समझ में आ जाता है, बार बार नो बोलने से थोड़ी समझ में आता है। अगर ये आवाज नहीं आ रही, चूंकि आजकल इसकी आवाज नहीं आ रही, हम देखते हैं एक बार और ट्राई करते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन।
आई थिंक वॉइस इज नॉट ओके. हमने देखा है कि किस तरीके से हम पेट्रोल और डीजल के बारे में बात कर रहे थे. मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं अबाउट द टेक्स्ट. दिस इज योर चैप्टर. ओके सर, आई नो आई रेड इट अर्लियर. प्लीज बी क्वाइट. This is that. Sorry, our voice is not clear. Sir, your voice is perfectly clear. Sir, your voice is clear. Sir, your voice is perfectly clear. अच्छा, एक काम करो, आप सभी लोग अपना माइक ओपन कर लो और जितनी इच्छा है उतना बोलो. मैं 9-10 के बाद मैं बोलना शुरू करूँ. हाँ बोलो बोलो, सब बोलो, सब लोग एक साथ बोलो तो सबको अच्छी अच्छी बातें सुनाई आएंगी. सब बात समझ गए मेरी? वेरी गुड. दिस इज अ पिक्चर ऑन द रोड साइड एंड अ बिजी ट्रैफिक इज देयर. And you might be face this situation sometime, especially when you visit a metro city. You got, this is a very common scene in metro city, especially on the busy square where traffic lights are there. People with their vehicles, they keep the road jammed. It is very difficult to spend time in such a situation. It is all because of pollution. Three types of pollution. Noise pollution. People continuously keep their horn on and make too much sound. So this is the first type of pollution. Noise pollution. The second pollution which we are facing here is air pollution, because lots of vehicles are keeping their engine on, so they are releasing harmful gases. Busy traffic mein wo log apni gaadi lekar khade hue hain, gaadi continuously on hai aur usme se dhua nikal raha hai jisse hamare चारों तरफ पॉल्यूशन हो रहा है और जो भी इसमें फंसा होता है वो बहुत ही परेशानी महसूस करता है, स्पेशली स्मॉल चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज पीपल, बिकॉज दे हैव लेस कैपेसिटी ऑफ देयर लंग्स टू ब्रीथ प्रॉपरली. एंड पीपल दोज हु आर हैविंग प्रॉब्लम्स ऑफ ब्रीदिंग स्पेशली लाइक अस्थमा, अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स, दे आल्सो फील वेरी uneasiness during that situation. So this is a very common scene. I yesterday talked to you about riding bicycle. So when I am reading something, what are the different kinds of vehicle that you can see? Very simple question. You can see all types of vehicles in this picture and on busy traffic road. What do you think they need petrol and diesel as fuel? You have to give answer later. अभी नहीं, आप ये आंसर अपनी टिक लगा लीजिए. What do you think people need petrol and diesel as fuel? Another question, which of the vehicle do you think give off smoke? Put a red mark on those. So you have a book, so you can tick mark on such vehicles picture which give off smoke, jinse jyada smoke nikalta hai. And which are the vehicles run without petrol and diesel? Can you tell me one by one? I will read the name, only that will give answer, not all. Brajesh Kumar. Not there. Sir.
Do you know the names of some vehicle which run without petrol or diesel? क्या आप ऐसे व्हीकल्स के नाम जानते हैं जो बिना पेट्रोल और डीजल के चलते हैं? मैंने सिर्फ ब्रजेश से पूछा है, नो वन विल कीप देयर बाइक ऑन. ब्रजेश सेड साइकिल. ओके निशांत ठाकर. यस सर. बताइए और नाम बताइए ऐसे व्हीकल्स जो बिना पेट्रोल. यस चार्ज वाली स्कूटर. फिर से बोलिए सर. चार्ज वाली स्कूटर. चार्जिंग स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड कार. वेरी गुड निशान. आप खुशहाल. खुशहाल सर. कार. कार बिना पेट्रोल. बिना पेट्रोल की. बिना पेट्रोल कार्ड. सीएआरटी कार्ड. वेरी गुड. हम उसको बोले बुलक कार्ड. बुलक कार्ड बैलगाड़ी या ऐसी कोई भी कार्ड जिसमें एनिमल्स का यूज हो रहा है. दे रन विदाउट पेट्रोल एंड डीजल. मोइन आप कोई नहीं अपना माइक ओपन करेगा. मोइन. नो सर. मोइन मंसूरी. नो सर. यू डोंट नो. ओके सर. साइकिल. हो गया साइकिल. आप सुनेंगे तो. और आपसे सभी से बोला है माइक ऑन नहीं करना है. मृदुल धाकर. सर यस सर. सोलर कार्ड. वेरी गुड. नंदिनी. लेकिन अभी तक मार्केट में नहीं आई. नो प्रॉब्लम. नंदिनी सर. टोंगा. टोंगा वेरी गुड. प्रणा भार्गव. टांगा कार्ड. हो गया टांगा. सलोनी. चलिए इसके अलावा कुछ नाम और याद आ रहे हैं आपको तो अपना हाथ उठा सकते हैं. डोंट रिपीट द आंसर. यस सर. यस अलंकृता. सर कैन आई. Without keeping your mic open. Yes, yes, Smith. What you want to speak? Sir, unicycle. Unicycle means? Sir, cycle of one wheel. Okay. Sir, मेरे पास एक और है. Sir, मैं बताऊं? जो mic on करेगा, I will not ask any question. Siddhika. Sir, bicycle. Don't repeat the answer. Tanjil. Sir, skateboard. Okay, very good. Adrita. Sir, rickshaw. Rickshaw. So you all know, keep your mic mute. So there are so many vehicles which run on the road without any fuel. So you can write the names of these vehicles. So tick mark this question. Which are the vehicles run without petrol and diesel? So you have to write. Aapko kaun-kaun se question likhna hai? Second, what do you think vehicles need petrol and diesel as fuel? Second question, which are the vehicles run without petrol and diesels? And third, what problems do we face from the speeding vehicles? कौन बताएगा इसका आंसर? ओनली रेज हैंड. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स वी फेस्ड फ्रॉम स्पीडिंग व्हीकल्स? यस अद्रिता. सर वी कैन हैव सीरियस इंजरीज ऑन आवर बॉडी एंड इवन इट कॉजेस डेथ. Okay. We can have Bradul. Sir, मैं जो बोलने वाला था अद्रिता ने बोल दिया. No problem. Any other child? Different answer? Yes, Tanjil.
सर मैं बोलूंगी, मैं उसको इंग्लिश में बोलूंगी सर। जैसे कि जब एक बारिश हुई और रोड पे कीचड़, और अगर कोई और हम लोग निकल रहे हैं और कोई कार जोर से आ गई तो वो पूरा कीचड़ हमारे ऊपर उछल जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। शाश्वत, यू वांट टू गिव आंसर? यस सर। सर कार चलाने, वी इफ यू यूज कार देयर इज वेरियस प्रॉब्लम, देयर इज सच वन आर पॉल्यूशन, मेन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, ऑयल पॉल्यूशन एंड व्हेन वी गो फ्रॉम देयर our face chance will go okay and you also feel sick. Okay, last answer Adwita. Sir agar hum log bahut zor se car ya scooter chalaye, bahut sare police sochte hai ki hum log thieves hain aur fir hamara peecha karte hain. Okay ye hamare country mein nahi hota par dusre country mein hota hai. Very good. So आपको समझ में आ गया आपको क्या लिखना है? Yes, sir. ये जो मैंने आपको काम बोला है वो आपको करना ही है। Is it clear to all? आप देखिए जितनी एक्टिविटी दी जाती है आपको EVS की, मैं टिक मार्क लगाते जा रहा हूं जिन बच्चों की करेक्ट EVS है, एक्टिविटीज हैं, और वो आपको उसका राइटिंग वर्क भी करना है। मैं इस समय अद्रिता को जरा अद्रिता को पिनअप कर रहा हूं। हाँ अद्रिता, यू कैन शो योर एक्टिविटी। एंड एक्सप्लेन इट आल्सो। यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड एक्सप्लेन। सो दिस इज माय एक्टिविटी। यस। Yes. And sir, when I like rotate this, this bigger stone comes like this. Ah, show me. Take care while rotating it. So bigger stone is going up. Yes, sir. Why? Sir, I don't know, but I figured out the request. I already explained you. You answer. Sir, I can give a. Yes, yes, yes. Sir, I Yatin. Yatin. It becomes centrifugal force. Very good. This rotation. Sir, what force? Sir, what force? Wait. This rotation, this wheeling, it provides a upward pull. उसको ऐसा जब घूमता है तो नीचे वाले बड़े पत्थर को ऊपर की तरफ पुल करता है, खींचता है। इसलिए अ माउस कैन पुल एन एलिफेंट। गॉट इट? सभी बच्चे अपनी एक्टिविटीज को जिन्होंने करी है वो उसको पेपर पर लिखें और मुझे उसका पीडीएफ भेजें। मैं नेक्स्ट थर्सडे को आपके सामने ही जो जो मुझे दिखाएगा और जो जो लिख के भेजेगा उसका टिक मार्क लगाऊंगा। मैंने एक टेबल बना ली है। यहाँ हम लोग सिर्फ बैठने नहीं आ रहे हैं कि हाफ एन आवर दो क्लासेस डेली हो गई और हम मस्ती करेंगे। ये मेरे साथ आपकी मस्ती नहीं चल सकती। मैं पूरे साल ऑनलाइन क्लासेस में भी आपको मजबूत बना दूंगा दिमाग से। आपको अच्छा लगेगा, आप इतना अच्छा स्टडी करेंगे, इतना सोचेंगे। ठीक है, आपकी भी इच्छा है ना कि आप बहुत अच्छा ब्रेन हो जाए, आपका साइंटिफिक ब्रेन, लॉजिकल थिंकिंग। हाँ, तो आप कहना मानिए और काम करना शुरू करिए। जो ए सेक्शन वाले बच्चे हैं उनसे बोल रहा हूँ मैं, अभी भी बहुत सारे बच्चों की मैथ्स की एक्टिविटी नहीं आई है। आपके पास मैथ्स एक्टिविटी के लिए संडे तक का टाइम है। अब हम देखिए, एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं कि बहुत तरीके से हम आपका असेसमेंट करेंगे। किसी दिन एक्टिविटी डेमोंस्ट्रेशन होगा, अपनी सारी एक्टिविटी संभाल के रखिएगा। किसी दिन आपका एक ओरल टेस्ट हो जाएगा, तो ओरल टेस्ट में हर बच्चे को कुछ ना कुछ बोलना है,
बहुत सारे बच्चे 50% बच्चे दे आर वेरी मच एक्टिव, लेकिन जो एक्टिव नहीं है उनसे मैं पूछूंगा। तो इस तरीके से हम ये जैसे आपने मॉडल बनाया, अभी कुछ बच्चों ने ये मॉडल माउस कैन लिफ्ट एन एलिफेंट का मॉडल तैयार कर दिया है, तो ये उनकी एक एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। ठीक है, और चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, एक बहुत अच्छा है, मैं आपको आई एम शोइंग वन वेरी नाइस बिकॉज सर मैंने हाँ वेरी गुड, यू कैन सेंड इट टू मी। सर मैंने बनाया तो था लेकिन वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे करने के बाद तो नहीं, जब भी हम कुछ मिस्टेक करते हैं तो होता है, उसको दोबारा भी करना है। बनाया था लेकिन वो फिर टूट गया। नहीं, कोई भी चीज तब टूटती है जब हम उसको ज्यादा इंटरेस्ट के साथ काम नहीं करते। एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार कोशिश करो, दूसरी बार नहीं हुआ तीसरी बार, और कब तक कोशिश करना है, जब तक वो काम हो नहीं जाए। सर अभी मैं इसको घुमा रहा था, लेकिन अगर धागा वहीं से गिरी गया तो पेन के दोनों साइड से। बेटा आपका थ्रेड स्ट्रिंग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और उसकी लेंथ बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पत्थर कितने छोटे चाहिए बेटा? एक छोटा नहीं उससे बड़ा, इतने बड़े बड़े पत्थर मत लीजिए, एक छोटा ले लीजिए। कल एक बच्चे ने भेजा था, एक उसने इरेजर ली थी और एक शार्पनर लिया था। तो शार्पनर इज लाइट इन वेट, इरेजर इन हेवियर इन वेट, तो कैन डू दिस वन। और डोंट टेक लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज वेरी लॉन्ग, अदरवाइज एज अद्विता वाज रोटेटिंग इट चांसेस ऑफ हर्टिंग हरसेल्फ, तो डोंट टेक दैट मच लेंथ ऑफ द थ्रेड। Yes. Okay, now see this one. This is a chart. You can see this one. कि कहां कहां से हमको problems होती हैं? Petroleum pollution कैसे होता है? How can we control pollution? Stop ignition while on red light. जब भी हमारी गाड़ी red light पर आए तो what we have to do? We have to stop, switch off the engine. This is the first point. Are you agree with this? Yes, sir. Because yes, sir. A traffic light, it takes sometime 2 minutes or 3 minutes. So we have to keep our engine off. In this way, we can conserve petroleum product. Second, get pollution check on time to time. We have to check our vehicles regularly. Our engine is properly tuned or not? If our engine is properly tuned, it will produce less smoke. Third, do not use plastic. Fourth, walk more to your nearest area. Agar humko kahin paas jana hai, toh we have to walk. Don't use vehicles to reach from our homes to your neighbor's home. Ki paas pe hi hamare friend ka ghar hai, toh hum vehicle se jayein. No, walk more to your nearest area. Cycle bhi le ja sakte hai. Very good. Cycle bhi le ja sakte hai. Use electric power instead of cooking gas. Ek aur tarika hai by which we can consume petroleum product like cooking gas using electric power. Okay? Then switch off the engines of the machines and equipments running on petrol and diesel. लगातार चलते रहने से उनका ज्यादा कंजम्पशन होता है। स्विच ऑफ द लाइट्स, आप घर पे बैठे हैं तब लाइट जलाइए। व्हेन यू लेफ्ट द रूम लाइट शुड बी स्विच्ड ऑफ, फैन शुड बी स्विच्ड ऑफ। यूज CFL एंड LEDs। हु विल टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ LED? लाइट इमिटिंग डायोड। वेरी गुड। एंड CFL? Find out what is the full form of CFL in our Gale complex. Compact fluorescent lamp. Very good. So these terms should be in your mind all the time. So हमारे Gale colony में जितने भी residential houses हैं, जितने भी घर हैं, quarters हैं,
वहां सभी में एलईडीज लगा दिए गए हैं। इट कंज्यूम्स लेस इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो इन प्लेस ऑफ ऑर्डिनरी बल्ब वी हैव टू यूज दिस। यूज सोलर एनर्जी एंड बायोगैस, नेचुरल गैस। हमें सोलर एनर्जी का यूज ज्यादा करना चाहिए। यूज साइकिल टू शॉर्ट डिस्टेंस, पास जाना है बेटर टू यूज साइकिल। एंड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मीन्स बसेस, ट्रेन्स, इन प्लेस ऑफ योर ओन कार। इफ इट इज पॉसिबल टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट वी हैव टू यूज इट। एंड कार पूलिंग, पूल कार। इफ सपोज फोर पीपल दे आर लिविंग क्लोज टू ईच अदर एंड गोइंग टू सेम ऑफिस, तो दे कैन शेयर देयर कार। यस, अब जैसे मान लीजिए मुझे अदित्रि को और फेज वन में रहने वाले और बच्चों को, कौन कौन फेज वन में रहता है, रेज योर हैंड। अदित्रि, अच्छा अदित्रि है ओनली, चलो। तो मान लीजिए मुझे यशमित भी है, हाँ यशमित भी है, यशमित भी है, तो हम सबको दिशा भी, तो हम सभी को स्कूल आना है और सब अपने अपने व्हीकल से आ रहे हैं, तो उससे अच्छा क्या है कि मंडे के दिन देवेश सर की कार से आएंगे, ट्यूसडे के दिन अदित्रि की कार से आएंगे, वेडनेसडे के दिन यशमित की गाड़ी से आएंगे, थर्सडे के दिन दिशा की गाड़ी से आएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा एक दिन में एक ही गाड़ी का पेट्रोल कंज्यूम होगा, तो वी कैन सेव पेट्रोल। दिस इज कॉल्ड कार पूलिंग। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू। द पर्पस ऑफ गिविंग यू दिस माइंड मैप इज हाउ कैन वी सेव पेट्रोल। तो यू कैन राइट दीज पॉइंट्स, हाउ कैन वी सेव पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अपना आंसर्स खुद ही लिखेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? I gave you three or four questions tonight. Yes, sir. Three or four questions. Yes, sir. Okay. Now, Santipa. Yes, sir. Shanti, shanti, shanti. Sai Ram. Sai Ram, sir. Sai Ram, sir. Sai Ram, sir.